क्या आपने कोलावेल के बारे में सुना है? ये दुनिया का अब तक का सबसे गहरा बोरहोल है, जिसे 1970 के दशक में सोवियत संघ द्वारा ड्रिल किया गया था। वास्तव में ये इतना गहरा है कि स्थानीय लोग कसम खाते हैं कि आप नरक में तड़पती हुई आत्माओं की चीखें सुन सकते हैं। जब से इसे ड्रिल किया गया था, तब से महाशक्तियों के बीच पृथ्वी की पपड़ी में जितना संभव हो उतना गहरा ड्रिल करने और यहां तक कि ग्रह के मेटल तक पहुंचने की होड़ चल रही है। जापानियों ने कोशिश किया है, अमेरिकियों ने भी कोशिश की, और अब चीन इस कोशिश करने की योजना बना रहा है। चीनी वैज्ञानिक पृथ्वी के शिल्प में 10,000 मीटर गहरे छेद की ड्रिलिंग कर रहे हैं। यह लगभग 32,808 फीट है, जो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा के आकार से 10 गुना अधिक है। और चीन इतना बड़ा छेद क्यों कर रहा है? ये ड्रिलिंग कैसे कर रहा है और क्या इससे हमारी दुनिया को कोई खतरा है? चलो पता कर दें। चीन की सरकारी मीडिया CGTN ने इन तस्वीरों को शेयर किया है। इसने कहा है कि दुनिया के अब तक के सबसे गहरे छेद की ड्रिलिंग उत्तर पश्चिम चीन के शिनजियांग क्षेत्र में शुरू हो गई है। ये वह जगह है जहां छेद ड्रिल किया जा रहा है। शिनजियांग चीन का सबसे बड़ा प्रांत उइगर मुसलमानों का घर है। यह क्षेत्र प्राकृतिक संसाधन से भरा पड़ा है। चीन का सबसे बड़ा भंडार उसके प्राकृतिक गैस और तेल के भंडार का एक तिहाई यहाँ स्थित है। जिनजियांग भी चीन के कोयला भंडार का 38% योगदान देता है। इसमें 730 मिलियन टन लोहा अयस्क भंडार के अलावा 25 बिलियन भूजल है। मुझे और अधिक कहने की आवश्यकता है कि क्यों चीन के सभी स्थानों में जिनजियांग में इस बोर होल को ड्रिल किया जा रहा है। हर तरह से इस अभियान का उद्देश्य समृद्ध खनिजों और ऊर्जा संसाधनों का पता लगाना है। लेकिन चीन का कहना है कि वह भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट जैसी पर्यावरणीय आपदाओं के जोखिम को मूल्यांकन करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। कितना नेक है, केवल इस मकसद का समय वास्तव में चीन के मामले में मदद नहीं करता है। देखिए ये रिपोर्ट। चीन में पेट्रोल और जेट ईंधन की मांग में भारी वृद्धि हुई है, विशेष रूप से जीरो कोविड नीति को खत्म करने के बाद। रिपोर्ट कहती है कि बीजिंग इस साल रिकॉर्ड मात्रा में कच्चे तेल का आयात करने की पूरी कोशिश कर रहा है और यह छेद शायद बाकी के लिए बना देगा। इसे ड्रिल करने में चीन को कितना समय लगेगा? लगभग 457 दिन, देना या लेना। ड्रिल की डिजाइन गहराई 11,000 मीटर है। उपकरण का वजन लगभग 2,000 टन है। ये 10 महाद्वीपीय स्तरों या जिसे चट्टान की परतें कहा जाता है में प्रवेश करेगा। ड्रिलिंग का उद्देश्य क्रिटिटियस सिस्टम तक पहुंचना भी है, जिसमें 145 मिलियन से अधिक वर्षों की चट्टाने हैं। इस पूरी पहल का नेतृत्व चीन के राष्ट्रीय पेट्रोलियम निगम द्वारा किया जाता है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर डेटा एकत्र करना है। इनका कहना है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा गहरी पृथ्वी अन्वेषण में प्रगति की आवश्यकता व्यक्त करने के बाद इस परियोजना को शुरू किया गया। हमें उम्मीद है कि राष्ट्रपति भी इस मिशन में शामिल जोखिमों से अवगत होंगे। चलो ड्रिलिंग प्रक्रिया से ही शुरू करते हैं। यह बोर होल तारिम बेसिन में खोदा जा रहा है, जो रिपोर्ट्स के अनुसार तारिम नदी द्वारा निकाला जाने वाला एक विशाल गड्ढा है। इस बेसिन के केंद्र में तुकलाम कान रेगिस्तान है, जो चीन का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, जो 342,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यह बोर होल इस मरुस्थल के भीतरी भाग में स्थित है, इसलिए कठोर जमीनी वातावरण और जटिल भूमिगत परिस्थितियों के कारण इस क्षेत्र में इतना गहरा छेद करना बहुत कठिन है। कुछ भी हो, यह प्रक्रिया खतरों से भरी पड़ी है। चाइनीज एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग के एक शिक्षाविद सन जिन शेंग के अनुसार, ड्रिलिंग परियोजना की निर्माण कठिनाई की तुलना दो पतले स्टील के केबलों पर चलने वाले एक बड़े ट्रक से की जा सकती है। और हमें आश्चर्य है कि अगर तथाकथित ट्रक पटरी से उतर गया तो क्या होगा। और वैसे यह सिर्फ एक चुनौती है, दूसरा चरम जीवन विषाणुओं का सामना कर रहा है, जो पृथ्वी के नीचे सुप्त पड़े हुए हैं। डीप कार्बन ऑब्जर्वेटरी के एक नए अध्ययन से पता चला है कि पृथ्वी के 70% बैक्टीरिया और आर्किया हमारे पैरों के नीचे रहते हैं। उनमें से कुछ जिंदा हैं, अन्य अधिक निष्क्रिय हैं। उन्हें जॉम्बी कहा जाता है। वह सतह पर मौजूद चीजों की तुलना में असाधारण रूप से विदेशी हैं। इसलिए जितना अधिक हम पृथ्वी के इस हिस्से को मानवीय गतिविधियों के लिए खोलते हैं, उतना ही अधिक जोखिम हम सतह पर लंबे समय से सुप्त बीमारियों को जारी करने के लिए चलाते हैं। ये एक साइंस फिक्शन प्लॉट की तरह लग सकता है, लेकिन ये वास्तविक में निहित है। जरा आर्कटिक को देखिए,
जहां रूस को आर्कटिक की बर्फ पिघलने से रोकने के लिए चेतावनी जारी की गई है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इन बर्फ की चादरों के नीचे रहस्यमय रोगाणु सुप्तावस्था में पड़े हैं, अज्ञात वायरस जो विषम परिस्थितियों में फल फूल रहे हैं। इनकी उम्र कितनी है ये कोई नहीं जानता, वे कई सदी पुराने हो सकते हैं, और एक बार जब बर्फ पिघल जाती है तो इन रोगाणुओं को उनकी नींद से जगाया जा सकता है और इसके नतीजे विनाशकारी हो सकते हैं। 2016 में साइबेरिया में एक घातक एंथ्रेक्स का प्रकोप एक संक्रमित बारहसिंगे के विगलन से जुड़ा था। करीब 70 साल पहले इसे परमाफ्रॉस्ट में दफनाया गया था। एक गर्मी की लहर ने आसपास की बर्फ को पिघला दिया और लाश को खुली हवा में उजागर कर दिया। इससे रोगाणु फैल गए, दर्जनों लोगों को संक्रमित किया, हजारों हिरन मारे गए। और जैसे कि वो कहते हैं ना, आप प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं और ये आपके साथ तुरंत खिलवाड़ करेगा।